Hi, good morning, all of you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Jaldi batao. Good morning, gamer Abhishek, Sher, Shan, Abhishek, Ashutosh. Good morning, everyone. Chalo fir. Good morning, Prasad, Tamanna. Good morning. Chali. तो आप लोगों को पता है कि रेगुलरली मैं स्टडी आईएएस पर आप लोगों के लिए 8 बजे लेकर आती हूँ द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास. ठीक है, रोज़ रेगुलरली होती है आपकी 8 बजे. ठीक है, तो आप लोग समय से आ जाया करो सुबह सुबह 8 बजे के टाइम पर. जो लोग यहाँ पर नहीं जल्दी उठ पाते हैं वो भी जल्दी उठने की कोशिश करा करो और क्लास में ज़रूर आया करो. ओके, तो आज आपकी डेट है 18th of June, 18 तारीख है आज. और आज का न्यूज़पेपर बहुत छोटा आया है, एडिटोरियल्स भी कोई खासा नहीं आए हैं. ठीक है, एक ही सिंगल एडिटोरियल आया है आपका और बाकी के एडिटोरियल एक आपका यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज पे था. बट आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग द हिंदू पढ़ते हैं तो जो पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह होती हैं ये हमारे काम की नहीं होती हैं, तो हमें वो नहीं पढ़नी होती. ओके, तो इस तरीके के आपके जब एडिटोरियल्स आते हैं तो हमें वो छोड़ने पड़ते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपके जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, एक आया है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो वो हमने यहाँ पर लिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. ओके, चल. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग अंकित. अंकित को बहुत टाइम बाद मैंने देखा है. अंकित, मेघा, हर्षुल, दीक्षा, गुड मॉर्निंग. उमेश, आदर्श, बम्पर, क्रेजी फॉर म्यूजिक, गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग अन अकेडमी के बारे में. तो देखो, अन अकेडमी के जो कॉम्बो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं. ठीक है जी, तो आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो यहाँ पर ये प्राइजेस को देख लें. उसके बाद यहाँ पे देखो, आप लोगों को पर्सनली वन ऑन वन मेंटोरिंग मिल रही है. ठीक है, आपकी ये वीकली वन ऑन वन मेंटोरिंग होगी जिसकी लास्ट डेट है 23rd. तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लिमिटेड सीट्स आपकी 100 हैं. यहाँ पे फिर है आपका महा सब्सक्रिप्शन ऑफर. बेसिकली इसमें क्या है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसे 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 4 महीने के लिए. तो आप लोग इसको भी यहाँ पर देख सकते हो. जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, वो है आपका चैनल का नाम स्टडी आईएएस, क्योंकि इससे मिल जाएगा आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ. तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए व्हेन यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को बस कोड का इस्तेमाल जरूर करना. ठीक है जी, तो जिसको अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू विद द लोन, सो यू कैन टेक द लोन फ्रॉम योर, और यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी पर. आगे बढ़ते हैं फिर. यहाँ पर कुछ 20 बुक्स हैं, यानी कि हम नोट्स कह सकते हैं इनको, जो कि क्रिएट करी गई हैं आपके यूपी एक्सपर्ट द्वारा. और बेसिकली क्या है कि अब ये जो बुक्स हैं आपकी हिंदी में भी अवेलेबल हैं. तो इनकी कॉस्ट प्राइस करीब आपकी 10,000 है, बट अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको फ्री पड़ जाएंगी. देन यहाँ पर है अनअकैडमी का कॉम्बैट, विच इज अ लाइव क्विज एंड इट हैपेंस ऑन एवरी संडे. हर संडे को होती है 11 बजे. आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो. देयर आर 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स और लाइव क्विज है आपकी. ये टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा. कोड का इस्तेमाल करें जब भी आप लोग एनरोल करें स्टडी आईएएस चैनल का नाम. ओके, चलिए फिर. यहाँ पर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक. ये बैचेस को आप लोग देख लेना. चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास. ठीक है, आज वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कम खबरें हैं, आज तो ज़्यादा है भी नहीं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग अजय. गुड मॉर्निंग अनुष्का, मनीष, राशिद, वर्मा, विकास, ग्रेजुएट ग्रेमर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चलिए चलो, पहली खबर आपकी बात कर रही है, ये यहाँ पे बात हो रही है कि एपेक्स कोर्ट जो है आपका वो यहाँ पर अप्रूव कर रहा है सीबीएसई असेसमेंट. नाउ यू हैव लाइक, आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल्स काफी हद तक इस पर आ चुके हैं कि हमारे जो 10th और 12th के
बोर्ड्स के एग्जाम्स थे उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अर्लियर यहाँ पर आपके टेंथ के तो पहले से ही कैंसिल हो गए थे, बट यहाँ पर ट्वेल्थ वालों को पोस्टपोन कर दिया था, कहा था कि जून में कोई डिसीजन लेकर आएंगे इस पर्टिकुलर चीज पे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई थी, सेकेंड वेव की वजह से यहाँ पर क्या था कि संक्रमण और ना फैले, इस वजह से आपके जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड्स थे उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। जो आपका CBSE है और है आपका CISE, ठीक है, ICSE बोर्ड है, तो जो भी लोग यहाँ पर ICSE के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर आपके जो बोर्ड्स हैं उनको कर दिया है कैंसिल। अब यहाँ पर जब बोर्ड्स को कैंसिल कर दिया तो किस बिना पर यहाँ पर रिजल्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि देखो रिजल्ट तो देना जरूरी है और आपके जो ट्वेल्थ के पेपर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एक अश्योरिटी मिलती है कि आप लोग क्या लोगे, आइदर यू विल बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, ठीक है, UPSC एस्पिरेंट बनना है आपको, तो ये सब आपका डिपेंड करता है कि आप लोगों के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आते हैं। तो वही सारी चीजें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पर जो असेसमेंट है वो यहाँ पर जो फॉर्मूला है आप किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को प्रमोट करोगे, वो चीज़ आप लोग यहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर क्या है कि CBSE वाले फिर यहाँ पर असेसमेंट लेकर आए, उन्होंने बोला कि हम जो आपके क्लासेस 10th और 11th के जो मार्क्स हैं और जो बच्चों के प्रैक्टिकल वगैरह हुए होंगे, ठीक है, उनके बिना पर यहाँ पर क्या करेंगे कि बच्चों को दे देंगे मार्क्स और उनको यहाँ पर पास कर देंगे। दो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा आइडिया रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पर अपने बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो हमारी बहुत मेहनत रहती है उसमें, और सडनली अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उससे काफ़ी हद तक हम लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो द CBSE हैज सेट डेडलाइंस फॉर स्कूल टू कंप्लीट असेसमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर बाय जून 2023-21 यहाँ पर क्या हुआ है कि फॉर्मेशन होगा आपके रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, ठीक है, तो स्कूल के हिसाब से यहाँ पर आपका रिजल्ट कमेटी बैठेगी जो कि यहाँ पर डिसाइड करेगी कि किस तरीके से क्या करना है, और यहाँ पर ये लोग सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो बच्चों को ऑफर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स का हुआ है चेंज सब्जेक्ट इन क्लास 12th विद CBSE अप्रूवल, यहाँ पर फिर आपका चेक किया जाएगा मार्क्स को 10th के और 11th के, इफ स्टूडेंट हैव पास्ड फ्रॉम द बोर्ड्स अदर देन CBSE, और उसके बाद जो फाइनलाइजेशन होगा आपके रोड मैप का, ठीक है, किस तरीके का यहाँ पर जो आपका कमिटी ने क्या शेड्यूल किया है उस हिसाब से यहाँ पर फिर वर्क किया जाएगा, वो भी आपके जून 30 तक, फिर जून 15 तक फाइनलाइजेशन जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर बच्चों को प्रदान किया जाएगा, वो अपलोड कर दिए जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड का लिंक दे दिया जाएगा और उस पर मार्क्स बच्चों के लिए यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो 31 तारीख तक यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो बच्चों के आ जाएंगे 31 जुलाई तक, इस बार काफ़ी हद तक यहाँ पर लेट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स जो हैं आपके जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी अपनी ट्वेल्थ वगैरह कंप्लीट करी है, ठीक है, तो उनके लिए ये एक पर्टिकुलर चीज़ है कि आपके 31 तारीख तक यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे एज पर जिस तरीके से आपका CBSE और ICSE वर्क कर रहा है इस पॉइंट पर, ओके। हाँ जी बिल्कुल सही, कैंसिल नहीं करना चाहिए था, पर अगर कैंसिल नहीं करते तो संक्रमण फैलने का बहुत डर था, क्योंकि वायरस जो है आपका वो बहुत तेजी से यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो थे ना वो संक्रमण के अंदर आ जाते, ठीक है, वो यहाँ पर उनको भी इन्फेक्शन फैल जाता और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता तो आपके देश की हालत आपको पता है, ऑलरेडी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लो इनकम कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर अगर इतने सारे बच्चों को कोई परेशानी हो जाती तो देश और भी ज़्यादा, क्योंकि देखो जो फ्यूचर है हमारा वो यूथ से ही है, और यहाँ पर अगर युद्ध पर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सीधे के सीधे आपके देश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सोचा गया था, पहले तो इन लोगों ने आपका जो ट्वेल्थ के बोर्ड्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया था, बहुत सोचा गया कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रख देते हैं, कम क्वेश्चंस रखते हैं उस हिसाब से यहाँ पर बच्चों का एग्जाम करा देंगे, बट यहाँ पर स्थिति बहुत खराब थी, एक एक दिन में अगर आप 4 लाख केसेस देखोगे तो वो यहाँ पर बहुत बुरा है, और उसके हिसाब में आपकी 4,000 डेथ हो रही थी एक एक दिन में, इतने सारे केसेज आर लाइक हेल नो, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ बोली गई है कि अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स रहेंगे बच्चों के, ठीक है, तो थ्योरी के करीब 80 रहेंगे जिसका 30% वेटेज होगा क्लास 10th का, और 11th के 24 मार्क्स करीब यहाँ पर लिए जाएंगे, मतलब 30 और 40 वाला यहाँ पर एक वेटेज लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके जैसे मान लो इनके कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस तो चल रही थी तो उस पर यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चल रहे थे, तो उसके हिसाब से अगर इनके मार्क्स जो होंगे वो एवेल्यूएट कर लिए जाएंगे और उसके बाद इनका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आएगा।
मेघा क्या होता है ना, इलेक्शंस तो बेसिकली आपके, देखो ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, और हमें इस पर इतना फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है ठीक है कि अभी हाल फिलहाल में क्या स्थिति है। तो पॉलिटिकल मुद्दे पे तो इट्स लाइक फिर तो बहस बहुत लंबी जाएगी कि इलेक्शंस होने चाहिए थे या नहीं, ये सारी चीजें बहुत अलग है ठीक है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी मोदी सरकार ने, और भी यहाँ पर लोग करा रहे थे, है ना, सब लोग यहाँ पर सम्मिलित थे इलेक्शंस के लिए, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी फिर आपका उस बीच में आ जाएगा, तो इस वजह से इट्स अ वेरी लॉन्ग, यू नो, ये काफी बड़ा टसल हो गया है। अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अभी जो है सो है। ओके अभिषेक, ज्यादा डिले भी नहीं हो सकते थे ना, अगर बेसिकली एग्जाम को अगर हम ज्यादा डिले कर देते तो वो यहाँ पर, देखो क्या होता है ना, क्या आपके देश में जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपकी यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्स कराते तो यहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि हर सेंटर पे बराबर की यहाँ पर सेफ्टी देखी जाएगी, और ये चीज यहाँ पर सरकार आके सुनिश्चित नहीं कर सकती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई भी लापरवाही हो गई, उससे केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ गए, तो वो काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे देखो, ये आप लोग इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है आपकी, ये आ रही है आपके कहाँ से, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है ठीक है, वहां पर एक एलिफेंट कैंप है, तो वहां से ये पर्टिकुलर पिक्चर आपकी ली गई है। तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। अब मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, मधुमलाई टाइगर रिजर्व आपका नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है ठीक है। तो देखो इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने कोई ऐसी इमेज देखी, तो इमेज में आप लोगों को देखना है कि ये यहाँ पर किसी भी, अगर टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह कुछ ऐसी चीजों पर बात हो रही है, तो वो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है, और ये आपके मैपिंग के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैप्स वगैरह जो हैं आप लोगों को बाय हार्ट आने चाहिए, बहुत जरूरी है ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट एट द ट्राई जंक्शन ऑफ थ्री स्टेट्स। तो यहाँ पर जो आपका मधुमलाई टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है ठीक है, ट्राई जंक्शन है किसका, तीन स्टेट्स का। तो यहाँ पर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगी, केरला, तमिलनाडु। ओके, अगर किसी ने यहाँ पे मैप देखा होगा तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पहली बायोस्फीयर रिजर्व है आपके इंडिया की। याद रखना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश की पहली बायोस्फीयर रिजर्व है, अलॉन्ग विद द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केरला की तरफ से आपको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जो कि वेस्ट में है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, यानी कि जो आपका नॉर्थ में है। फिर आपको दिखेगा मुकुर्ति नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली इन द साउथ। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ, वेस्ट ठीक है, और साउथ की तरफ ये पूरा घिरा हुआ है, तो एक ट्राई जंक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो आपको यहाँ पर आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क और मुकुर्ति नेशनल पार्क और साइलेंट वैली देखने को मिलेगी। ऑलराइट, मैप में यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका मधुमलाई। मैं पेन चेंज कर लूँ, एक सेकेंड, सी ये रहा मधुमलाई ठीक है, इसके ऊपर आपको बंदीपुर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको नीलगिरी भी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एक ट्राई जंक्शन यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। ये मुकुर्ति है आपका, ये है आपकी साइलेंट वैली, जो कि हमें साउथ में देखने को मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका सिचुएटेड है, ये आपका मैप है। मैप आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, और जिसका भी ज्योग्राफी का ऑप्शनल है उसके लिए तो मैपिंग आर लाइक वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, चलो तो ये मैप देख लिया आपने, आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा एंड फौना है उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फ्लोरा के बारे में बात करें तो द रिजर्व हैज टॉल ग्रासेस। तो यहाँ पर आपका जो रिजर्व है वहाँ पर टॉल ग्रासेस हैं ठीक है, जिनको हम बेसिकली बोलते हैं एलिफेंट ग्रासेस। एंड जो बैम्बू है यहाँ पर आपके जो जाइंट वेराइटी के हैं, वैल्यूएबल टिम्बर स्पीशीज देखने को मिलती है हमें, टीक और रोजवुड देखने को मिलता है। एंड देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ योर एंडेमिक फ्लोरा ठीक है, तो यहाँ पर हमें काफी सारी स्पीशीज देखने को मिलती है एंडेमिक फ्लोरा की। ऑलराइट, अगर फौना के बारे में बात करें तो फ्लैगशिप जो स्पीशीज हैं यहाँ पर हमें टाइगर,
और आपके आसियान एलिफेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो बाकी की स्पीशीज रहती हैं, जैसे कि आपके इंडियन गौर है, स्पॉटेड डियर है, कॉमन लंगूर है, मालाबार गायंट स्क्विरल है, वाइल्ड डॉग है आपका, जंगल की कैट है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो फौना है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज आपकी दो देखने को मिलती है यहाँ पे, टाइगर एंड योर एशियन एलिफेंट। तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद जो बर्ड्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रिजर्व है आपकी, इट गॉट अ वाइड वेराइटी ऑफ मोर देन 260 स्पीशीज ऑफ बर्ड। तो यहाँ पर करीब आपकी 260 स्पीशीज ऑफ बर्ड देखने को मिलती है। 8% जो आपकी बर्ड स्पीशीज है जो कि इंडिया में आपके मधुमलई में रिकॉर्ड करी जाती हैं, ठीक है। एंड दीज इंक्लूड रेड बर्ड, मतलब जो रेड बर्ड्स होती हैं आपकी, जैसे कि आपकी मलाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गई, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, मलाबार पाइड हॉर्नबिल, मलाबार लाफिंग थ्रश अमंग अदर्स, ठीक है। तो ये आपकी जो बर्ड्स हैं जो कि रेयर बर्ड्स हैं, बट वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नाम इन सबके आप लोगों को याद रखने हैं। ऑल राइट, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पर इतने सारे लोगों का है, ज्योग्राफी ऑप्शनल, बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगली खबर आपकी बात कर रही है कंटिन्यू डिमोलिशन ऑफ इलीगल बिल्डिंग्स इन अरावली फॉरेस्ट लैंड। अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है टू गिव एनक्रोचर्स एनी क्वार्टर ऑन June 7। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को रिफ्यूज किया है टू हॉल द डिमोलिशन ऑफ अबाउट 10,000 अनऑथराइज रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचिंग इन टू द इकोलॉजिकल फ्रेजाइल ऑफ योर अरावली फॉरेस्ट, दैट इज लाइक नियर योर लाकरपुर पूरी विलेज, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका डिमोलिशन हो रहा था, 10,000 कुछ अनऑथराइज यहाँ पर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो वो यहाँ पर एंक्रोच कर रहा था आपके इकोलॉजिकल फ्रेजाइल, जो कि आपका अरावली फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, जो आपका लकरपुर पूरी विलेज हरियाणा की तरफ पड़ता है, तो वहां की बात है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आपका अरावली, ठीक है। अरावली के बारे में कोई मुझे कुछ बता सकता है, अरावली के बारे में? काफी इम्पोर्टेंट है आपका। जब भी हम लोग इंडिया की जो जियोग्राफिकल डिविजन्स देखते हैं, फिजिकल डिविजन्स तो हम देखते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर आपका अरावली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बताइए अरावली के बारे में कुछ, बताओ बताओ अरावली के बारे में। थैंक यू सो मच शुभ्या। डेफिनेटली जो आपका अरावली है वो आपके ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, जैसे कि आपके हिमालयाज हो जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज कैसे हैं आपके? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। वहीं पर आपके जो अरावली हैं वो आपके ओल्डेस्ट माउंटेन हो जाते हैं, और ये आपके गुजरात से, ठीक है, अगर मैप में देखोगे तो गुजरात से आपके कहाँ तक आते हैं, ये हरियाणा तक, ठीक है, हरियाणा तक आते हैं, दिल्ली में भी आ जाते हैं। तो ये आपके इतनी एक लॉन्ग बेल्ट हमें देखने को मिलती है आपकी अरावली की, एंड अरावली यहाँ पर आपके काफी ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये यहाँ पर आपकी ये खबर थी, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है अरावली फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। अरावली आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एज पर योर UPSC एग्जाम, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगली खबर यहाँ पे बात कर रही है कि असम सीख realignment of tracks through wetland। तो यहाँ पर जो असम गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर प्रपोज किया है realignment of a broad gauge रेलवे लाइन, ठीक है, जो कि आपकी दीपूर बील है वहां पर आ रही है। अब दीपूर बील आपकी एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है, जिसको डेजिग्नेट किया गया था अंडर द रामसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। तो आपका आज जो बेसिकली जो आपका न्यूज पेपर है ना, वो आपकी तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर लेकर आया है, जिसमें आपकी जो आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर आपका जो बर्ड एरिया है, ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दीपूर बील की, तो दीपूर बील आपकी एक रामसार कन्वेंशन है, ठीक है, बेसिकली एक वेटलैंड है, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने वेटलैंड वगैरह हैं जो कि आपके देश में है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये जो खबर है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दीपूर बील यहाँ पर काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। अब दीपूर बील आपका कहाँ पर आता है ये देख लो, ये रहा आपका दीपूर बील, ठीक है, मैं इसको आपको ब्लैक पेन से दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये है आपका दीपुर भी, यहाँ पर पड़ता है दीपुर भी, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया है और ये रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब रामसार कन्वेंशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और दीपुर बिल क्या है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, जो दीपुर बिल है आपका, दीपुर बिल बेसिकली ये यहाँ पे लोकेट कर रहा है आपके साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी में, ठीक है, जैसे आपने देखा था कि इसकी लोकेशन, और ये आपका जो कमरूप डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहां पर आता है। तो जो साउथ वेस्ट एरिया है आपके गुवाहाटी सिटी का, वहां पर हमें देखने को मिलता है दीपुर बिल, और ये आपका एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना इस चीज को, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है इन अ फॉर्मर चैनल ऑफ योर ब्रह्मपुत्र रिवर टू द साउथ ऑफ द मेन रिवर। नाउ एक चीज देखो, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, आपकी यहाँ से बहती हुई आती है तिब्बत की तरफ से, यहाँ पर बहती हुई आती है और सीधे आपके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एंटर कर जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ऑल राइट, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि ये यहाँ पर एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है इन अ फॉर्मर चैनल ऑफ योर ब्रह्मपुत्र रिवर टू द साउथ ऑफ द मेन रिवर। उसके बाद इट इज अ वेटलैंड अंडर द रामसार कन्वेंशन। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि व्हाट इज रामसार कन्वेंशन, ये भी मैं आपको अभी की क्लास में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या है कि वेटलैंड है ये, ठीक है, एंड विच हैज लिस्टेड सिंस नवंबर 2002, तो 2002 से ये यहाँ पर लिस्टेड है आपका, फॉर अंडरटेकिंग कंजर्वेशन मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। तो देखो, रामसार कन्वेंशन में वैसे भी आपको पता है कि कोई भी एरिया है, कोई भी वेटलैंड है जो कि आपका इम्पोर्टेंस में आता है, उसको हम यहाँ पर उसको कंसिडर कर लेते हैं, उसको लिस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका नवंबर 2002 से लिस्टेड है, यानी कि काफी टाइम पहले से लिस्टेड है ये, और इसको कंसिडर्ड किया जाता है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्स इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर असम, एंड इट इज कैटेगराइज एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेटलैंड टाइप अंडर द बुरमा मॉनसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये देखो, ये आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल है ब्रह्मपुत्र वैली में, जो लोअर असम का एरिया आ जाता है आपका वहां पर, और इसको कैटेगराइज किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेटलैंड टाइप अंडर द बुरमा मॉनसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैबिटेटिंग मैनी माइग्रेंट स्पीशीज। तो यहाँ पर आपकी काफी सारी माइग्रेंट स्पीशीज यानी कि माइग्रेंट बर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और राइट, काफी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। और यहाँ पर आपका जो फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश इज अ वाइटल प्रोटीन एंड सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो है यहाँ की जो फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, वो यहाँ पर इट इज अ वाइटल प्रोटीन। All right, so the health of these people is stated to be directly dependent on the health of this wetland ecosystem. तो यहाँ पर जो लोगों की health है, ठीक है, वो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर depend करती है कि जिस तरीके की यहाँ पर जो wetland है उसका ecosystem की health यहाँ पर maintain रहेगी, उसी के हिसाब से यहाँ पर maintain रहेगी यहाँ के लोगों की health. Okay, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ecosystem है वो हमारे लिए equally important रहता है ना। अभी तो आप लोग जब शहरीकरण हो जाता है तो ये सारी चीजें थोड़ी सी पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट व्हेन यू आर लिविंग टू लाइक, अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हो, ठीक है, जहाँ पर पूरी तरीके से हरियाली रहती है, एनवायरमेंट आपका बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि आप लोग हेल्दी भी ज्यादा रहते हो, क्योंकि वहां पर जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा कम रहता है। और अभी तो क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे वहां पर भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से वहां पर जो आपका इकोसिस्टम है वो भी काफी हद तक आपका इफेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पर जो रामसार कन्वेंशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो कन्वेंशन होती है आपके वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो भी वेटलैंड होते हैं आपके, वेटलैंड कैसे होते हैं, जो आपका तराई वाला रीजन होता है, तराई वाला रीजन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेटलैंड्स, ठीक है। अब वेट का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे, वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है, कोई भी जमीन जहां पर आपका जो पानी है, पानी ज्यादा देखने को मिलता है, तराई वाला रीजन ज्यादा देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं वेटलैंड। तो जो भी आपके वेटलैंड होते हैं जो आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि वो यहाँ पर बोले जाते हैं कि रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली ये आपका इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। और दूसरी चीज, जो रामसार एक जगह है ना, ये आपकी ईरान में है, रामसार जो जगह है वो आपकी ईरान में है, और रामसार पर ही यहाँ पर आपका जो ईरानियन सिटी रामसार है वहीं पर इस कन्वेंशन को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया है यहाँ पर रामसार कन्वेंशन।
ओके, तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ये प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, किस तरीके से हम लोग जो वेटलैंड्स हैं आपका उनको वाइजली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पर उनको यूज करना। सो इट इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू फोकस ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम, तो सिर्फ और सिर्फ इकलौती ग्लोबल ट्रीटी है ये जो कि यहाँ पर फोकस करती है आपके सिंगल इकोसिस्टम पर, ठीक है, क्योंकि कोई भी वेटलैंड हो आपका उस पर इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये जो कन्वेंशन है आपकी, इसको अडॉप्ट किया गया था ईरानियन सिटी में, ईरानियन सिटी है आपकी रामसार, ठीक है, वहां पर किया गया था 1971 में, 1971 में, एंड फोर्स में कब आई थी ये, 1975 में आई थी, लागू कब हुई थी, 1975 में, 71 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, 75 में ये आपकी फोर्स में आई थी। तो ट्रेडिशनली viewed as a wasteland or breeding ground of disease, wetlands actually provide fresh water and food and serve as a nature's shock absorber. तो यहाँ पर जो wetlands हैं आपके वो critical हैं for biodiversity and disappear. Basically क्या है कि wetlands को जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि शहरीकरण यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और कुछ आपका जो climate का climate change हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर क्रिटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है और धीरे धीरे डिसअपियर भी हो रही है। तो अभी अगर रिसेंट एस्टिमेट लगाएं हम तो 64% या फिर मोर ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड हैव बीन वैनिश्ड, ठीक है, और ये बात हो रही है आपकी 1900 से, कि यहाँ पर 19th सेंचुरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 64% जो आपके वेटलैंड हैं वो यहाँ पर वैनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। और मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें लैंड यूज पे, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है उसका इस्तेमाल आपके एग्रीकल्चर के लिए हो जाता है, ग्रेजिंग के लिए होता है, वाटर डाइवर्जन फॉर डैम्स कैनाल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर काफी हद तक जो आपका इकोसिस्टम है उसे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर इंसान जहाँ पर भी रहेगा, इंसान से बड़ा बेकार व्यक्ति कोई है नहीं बेसिकली, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं वहाँ पर ही हम लोग अपने पैर फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्या हम ये भी जगह ले लें, यहाँ पर हम ये डेवलप कर लेंगे, अगर हम रह रहे हैं तो हमें पानी की सुविधा चाहिए, हमें अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, सारी चीज़ें हमें एक जगह पे मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो जगह है वो किसी और का भी घर है, यहाँ पर अच्छे खासे एक इकोसिस्टम चल रहा है, एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, पर वो चीज़ भूलने के बाद हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, अपना जो हमें काम करना है अपने खाने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर का काम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डैम्स वगैरह बनाएंगे, कैनाल्स वगैरह बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये क्या है आपके बहुत मेन कॉजेज रहते हैं जो कि आपका लॉस एंड डिग्रेडेशन हो रहा है वेटलैंड्स का, जो कि हमें हाल फिलहाल में यहाँ पर बचाना चाहिए। ओके, चलो, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे सबको, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। तो रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत ये आता है आपका, और रामसार कन्वेंशन क्या है ये सबको क्लियरली यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑल राइट, चलिए, अब यहाँ पे देखो आपकी ये जो खबर है ये बात कर रही है, वी मस्ट यूज द अवेलेबल वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल। नाउ बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब ये जो बात कही गई है, पहले तो ये देख लो आपके, इनका नाम है श्रीनाथ रेड्डी, और श्रीनाथ रेड्डी बेसिकली पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन जो आपका फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर क्या है कि इंडिया में अभी हाल फिलहाल में क्या होना चाहिए कि जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है कि वो लोग ही यहाँ पर सबसे पहले आगे आ रहे हैं लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए, सबसे आगे यहाँ पर वही हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं आपके, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स जो हैं आपके वो सबसे पहले आगे हैं लोगों को यहाँ पर, जिनको भी वायरस हो रहा है, जिनको भी इन्फेक्शन हो रहा है वो उसके सामने खड़े हुए हैं, और उनकी यहाँ पर सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो लोगों को हेजिटेंसी हो रही है ना, वैक्सीन हेजिटेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, वैक्सीन हेजिटेंसी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने में बहुत कतरा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं वो भी यहाँ पर जो शहर वगैरह हैं उन्हें छोड़ छोड़ के यहाँ से भाग रही हैं, क्यों भाग रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, उनको लग रहा है कि वैक्सीन में क्या है कि पॉइजन इंजेक्ट कर देंगे हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक पर्टिकुलर चीज़ ये बोली गई है कि यहाँ पर बहुत और डेटा यहाँ पर ज़रूरत है,
जो एक आइडियल इंटरवल दिया गया है दो डोजेस के बीच में कोविशील्ड की, क्योंकि कोविशील्ड की अगर डोजेस के हिसाब से देखा जाए तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि 28 दिन का यहाँ पर बोला गया था कि 28 डेज का यहाँ पर गैप रहेगा, फिर आपका 42 डेज आया, अब यहाँ पर आ गया है 84 डेज का, तो करीब 84 दिन का यहाँ पर अभी गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली डोज अगर आपकी लग गई है तो दूसरी डोज लगेगी आपकी 84 डेज बाद, यानी कि मान लो 3 महीने लगभग हो जाएंगे, 3 महीने बाद आपकी दूसरी डोज लगने वाली है। पर यहाँ पे देखो जिस हिसाब से आपका पैंडेमिक अभी बढ़ रहा है, ठीक है, एक नया वेरिएंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिला था AY1, ये नया वेरिएंट है आपका जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिला था, और जिस तरीके से हमारा जो एक वेरिएंट हमारे देश में चल रहा है वो है डेल्टा, और जो कि आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है आपका। तो यहाँ पर यही पर्टिकुलर चीज बोली जा रही है कि हम लोगों के पास ना एक पर्टिकुलर आपका कह सकते हैं हम कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, ठीक है, और प्लान इस तरीके का होना चाहिए कि पहले हम लोगों को यहाँ पर अवेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं यहाँ पर, क्योंकि अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर अवेयरनेस होगी तो लोग यहाँ पर हेजिटेट नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर इस पर लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि लोगों की जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको यहाँ पर कवर अप कैसे किया जा सकता है, अवेयरनेस से, क्योंकि यहाँ पर लोग जो अवेयर नहीं है उनके लिए यहाँ पर आप लोग अवेयरनेस के लिए कैंप्स वगैरह लगाओ, ठीक है, वर्कशॉप्स वगैरह करो, इस तरीके की चीज़ें करो, उनको समझाओ यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं, क्योंकि वो लोग जब यहाँ पर जा रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए तो क्या हो रहा है कि वो लोग यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो आपकी नदियों में कूद भी गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, यानी कि ये लोग हमें यहाँ पर मारना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपकी कोविशील्ड है, कोविशील्ड में जो आपका ये पर्टिकुलर डेटा आया है कि जो गैप रखना है वो 84 डेज का रखना है, तो देखो इस समय जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर वैक्सीन जल्दी जल्दी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो नया वेरिएंट आया है AY1, ये नया वेरिएंट हमें देखने को मिला है, बेसिकली अभी यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो वेरिएंट है आपका ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसा होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैल के उधम मचा रहा है, ठीक है, तो ये अभी बोला जा रहा है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न आपका AY1 है नहीं, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को ये जो नाम देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ के वेरिएंट के, डेल्टा, और दूसरा कौन सा है आपका, कप्पा, तो ये जो आपके वेरिएंट थे B16172, ठीक है, इनके नाम यहाँ पर रख दिए गए हैं, और ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं आपके WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन्होंने यहाँ पर एक साइंटिस्ट की मीटिंग करवाई थी और उन लोगों से बोला था कि आप लोग यहाँ पर क्या है कि जितने भी रीजन है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या करें, आप लोग यहाँ पर नाम दें इन लोगों को, इन जो वेरिएंट्स वगैरह हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि बेसिकली आपका जो B16172 था इसको इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा था, ठीक है, इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा था, और जो आपका यूके का वेरिएंट है उसे यूके का वेरिएंट बोला जा रहा था, जैसे कि मैं अभी आपको सामने बोल रही हूँ। तो इससे क्या था कि लोग यहाँ पर थोड़े परेशान हो रहे थे, देश वाले जो मतलब यूके के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि भैया एक बात बताओ, ये हमने तो फैलाया नहीं है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर इस तरह ये बुला रहे हो, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो देश है उसकी थोड़ी सी जो इमेज है वो यहाँ पर डाउन हो रही थी, तो WHO ने इस पे सोचा भी। और फिर आप लोग इजीली कोई अगर किसी को बोले कि तुम्हें कौन सा वेरिएंट, मतलब कौन सा वेरिएंट फैल रहा है तुम्हारे यहाँ पर, तो आप लोग अगर बोलोगे B16172 तो आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो आपके ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डेल्टा और कप्पा नाम रख दिया गया। तो वेरिएंट जो आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका कप्पा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका कप्पा, और जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो है आपका डेल्टा, जो कि यहाँ पर ज्यादातर फैल रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका जो ज्यादा फैल रहा है, ठीक है, वो है आपका डेल्टा। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे देश में होना चाहिए मास वैक्सीनेशन, ठीक है, मास वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी जल्दी लोगों के वैक्सीन लगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर हजार हजार रुपए लेकर यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे थे। अब तो यहाँ पर एक नई पॉलिसी आ गई है, 21 जून से वो यहाँ पर लागू हो जाएगी, मास वैक्सीनेशन शुरू होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि वैक्सीन की अहमियत अभी बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जो संक्रमण है आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी, तो थर्ड वेव के हिसाब से यहाँ पर जो प्लानिंग है वो होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं, क्योंकि अगर केसेस पिछली बार जैसे आ गए ना यहाँ पे, अभी सेकेंड फर्स्ट वेव तो आपकी निकल गई थी, फर्स्ट वेव 2020 में लॉकडाउन हो गया था, उसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा था लोगों की इनकम पे, जॉब चली गई थी लोगों की, हमारे देश की इकोनॉमी पे बुरी तरीके से इकोनॉमी पे असर पड़ गया था।
2021 तक ये हो गया था कि लोग यहाँ पर समझ गए थे कि देश हमारा कैसा है, लो इनकम कंट्री है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम कोई भी डिसीजन लेंगे लॉकडाउन का या किसी भी चीज का, वही हमें यहाँ पर सोच समझ के चलना है। तो इसी वजह से यहाँ पर इतना लॉकडाउन आपका लगा नहीं था इस बारी, ठीक है। दो केसेस बहुत ज्यादा थे, पर उस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन जो सख्ती पिछले साल थी वो सख्ती इस साल हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट को इस चीज पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाई द एंड ऑफ द ईयर आप लोग यहाँ पर 20% लोगों को फुली वैक्सीनेट करा दें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश की हालत है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उस हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे भी नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो ये कहीं हद तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आप लोग भी जो भी क्लास देख रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी वीडियो देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैक्सीन लगवाओ, बिकॉज वैक्सीन लगवाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। डोर टू डोर यहाँ पर लोग जाएंगे भी ना वैक्सीन लगाने, तो भी क्या होगा, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि नहीं हम वैक्सीनेटेड हैं, या फिर बहुत सारे लोग मिलेंगे भी नहीं। तो इंडिया के लोग कुछ ऐसे भी हैं, अगर जिसको नहीं लगवानी है वो यहाँ पर नहीं लगवाएगा। ओके, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी यहाँ पर वैक्सीन लगवा ली है, वेरी गुड, वेरी वेल, बट यहाँ पर जिन्होंने नहीं लगवाई है आप लोग वैक्सीन लगवाओ, आज ही लगवाओ, बुक करो जल्दी से, क्योंकि स्लॉट वैसे भी यहाँ पर बहुत कम है, उसी हिसाब से यहाँ पर बुकिंग करो और अपनी वैक्सीन लगवाना जरूर की जरूर यहाँ पर लगवाना है, क्योंकि देश की स्थिति को समझ के आप लोग वैक्सीन लगवाने की कोशिश जरूर करें। ओके, बिल्कुल पकड़ पकड़ के लगाना पड़ेगा। अरे बहुत सारे लोग, तो मैंने एक पर्टिकुलर केस देखा था जो बहुत सारे लोग तो नदियों में कूद गए थे, 150 लोग थे करीब, आपके 150 लोग थे, और यूपी की बात है, ये तो यूपी की बात है, यूपी में करीब 150 लोग थे जो हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर आए थे, उनको देखा, जैसे हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको देख के वो सीधे के सीधे यहाँ पर आपके रिवर में कूद गए, ठीक है, नदी में कूदते हुए नजर आए, उनको फिर बाहर निकाला और वैक्सीनेट किया उनको। तो इस तरीके की जो हालत देखने को मिलेगी तो वो यहाँ पर काफी हद तक खराब है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो श्रीलंका है आपका, श्रीलंका यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है केसेस ऑफ डेल्टा, डेल्टा जो वेरियंट है मैंने आपको बता दिया, B.1.617.2 वाला जो वेरियंट है आपका, वो यहाँ पर आपका जो डेल्टा है वो यहाँ पर आपके श्रीलंका को इफेक्ट कर रहा है। देखो श्रीलंका में वैसे ही काफी हद तक प्रॉब्लम है, श्रीलंका को अभी इंडिया ने करीब आपका 100 बिलियन का अभी यहाँ पर एक लोन दिया है। लोन किस लिए दिया है, यहाँ पर सोलर पावर एनर्जी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लो इनकम इनकी जो फैमिलीज हैं उनके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जा सके, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने इनको लोन दिया था। ये आर्टिकल हमने कल देखा था, आज आर्टिकल क्या आ रहा है कि आज यहाँ पर श्रीलंका में केसेस जो हैं आपके डेल्टा के वो यहाँ पर रिकॉर्ड करे गए हैं, और यहाँ पर जो थर्ड वेव है उसके आने का पूरा निश्चित कर दिया है। तो यानी कि आपकी जो जिद्दी थर्ड वेव है वो यहाँ पर परसिस्ट कर रही है, अब यहाँ पर जो आपकी थर्ड वेव है वो यहाँ पर काफी हद तक लोगों को परेशान कर रही हुई है। करीब आपके 62,000 एक्टिव केसेस हैं, ठीक है, पीपल अक्रॉस द कंट्री वॉइस कंसर्न ओवर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि आप देखो जो आपकी कंट्री है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, श्रीलंका इज नॉट दैट मच वेल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उसी हिसाब से लॉकडाउन वगैरह लग रहे हैं, और लॉकडाउन है तो यानी कि लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर रुक जाती है, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है कि लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपका जो ट्रांसमिटेबल, जो हाईली आपका एक कह सकते हैं जो खतरनाक वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो यहाँ पर काफी हद तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, श्रीलंका को तो चाइना ने भी यहाँ पर लोन दिया है। चाइना की तो देखो स्ट्रैटेजी रहती है, चाइना बहुत चालू व्यक्ति है, ठीक है, चाइना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो चाइना ने क्या करा है, चाइना ने दिया है श्रीलंका को, इतना लोन दिया है श्रीलंका को कि श्रीलंका को वो लोन चुकाने के लिए भी आपके क्या है कि यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके की यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, चाइनीज एस्ट्रोनॉट डॉक विद न्यू स्पेस स्टेशन। नाउ आप लोगों को पता है कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो न्यूज है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चाइना के साथ साथ चाइना के जो भैया हैं वो हैं आपके रशिया जी, बड़े भैया रशिया भी यहाँ पर अपना खुद का स्पेस स्टेशन फॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्री यहाँ पर अपने अपने स्पेस स्टेशन लेकर आ रही है। तो यहाँ पर इनकी जो कंट्री है, बेसिकली चाइना यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो फुली फंक्शनल जो एक स्टेशन है उसे लॉन्च कर देगा 2022 तक, यानी कि अगले साल तक। देखो कितना फास्टली ये मूव कर रहा है यहाँ पे। तो चाइनीज के जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ चाइनीज एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पर एंटर कर चुके हैं कंट्रीज अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन, एंड इट्स अ मेजर स्टेप इन चाइनाज प्लान टू हैव अ फुली फंक्शनल स्टेशन बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तक इनका जो स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब इनकी स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया की नज़र तो इस चीज़ पर है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने लॉन्च किया है एन अनमैन मॉड्यूल ऑफ इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन, और जो यहाँ पर आपका 2022 तक कंप्लीट होने वाला है। तो जो मॉड्यूल है इसका नाम है तियानहे, और यहाँ पर अगर मेरे से जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, जो चाइनीज वर्ड्स हैं वो थोड़े से अगर इधर उधर हो जाएं, ठीक है, देन आई एम सॉरी फॉर दैट, आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देम। सो द मॉड्यूल नेम इज तियानहे, और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हार्मनी ऑफ द हेवंस, वाज लॉन्च्ड ऑन द लॉन्ग मार्च 5B चाइनाज लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट। तो यहाँ पर जो आपका मॉड्यूल था तियान है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे हार्मनी ऑफ हेवन भी बोलते हैं, इसको लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च FB चाइना का जो लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है उसके द्वारा। और इंडिया यहाँ पे बिल्कुल सेट है, उसकी आंखें यहाँ पर गड़ी हुई हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर, द इंडिया हैज ऑल्सो सेट इट्स आई ऑन बिल्डिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट टू कंडक्ट माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इन 5 to 7 years। तो इंडिया भी यहाँ पर काफी हद तक बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि देखो आपका जो इंडिया है टेक्नोलॉजी के तौर पर वो कहीं हद तक तो भी काफी हद तक आगे रहता है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑल राइट, तो यहाँ पर इंडिया भी बिल्कुल सेट है कि वो भी अपना एक पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन जो है उसे बिल्ड कर देगा। कहाँ पर बिल्ड करेगा? जो आपके लो अर्थ ऑर्बिट है। आप लोग मुझे बताओगे लो अर्थ ऑर्बिट क्या है और किस तरीके से है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग मुझे इसमें बताने वाले हो, डिटेल एक आंसर आप लोग देंगे मुझे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडक्ट करेंगे फॉर इट्स माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, ओके, 5 to 7 years में ये चीज हो जाएगी। चलो बैकग्राउंड देखते हैं इसका। द ओनली स्पेस स्टेशन करंटली इन ऑर्बिट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी हाल फिलहाल में आपका सिर्फ और सिर्फ इकलौता स्पेस स्टेशन जो कि आपकी ऑर्बिट में है वो है कौन सा? आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ISS ही है आपका अभी तक, जिसमें से फ्रॉम विच चाइना इज एक्सक्लूडेड। चाइना को इंक्लूड नहीं किया है, चाइना को एक्सक्लूड करा है उससे, ठीक है। तो ये जो स्पेस स्टेशन है आपका, इट इज अ स्पेस क्राफ्ट विच इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग क्रू मेंबर्स, जो कि यहाँ पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। और ये डिजाइन किया जाता है कि ये यहाँ पर स्पेस में काफी एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक यहाँ पर रह सके फॉर अदर स्पेस क्राफ्ट टू डॉक। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है इधर उधर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए हमें एक स्पेस स्टेशन चाहिए होता है, इसी के लिए यहाँ पर जरूरी है, ओके। तो उसके बाद जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर आपकी जो कंट्रीज हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, यूरोप है, जापान है और कनाडा है। तो जब आपकी रशिया की बात आ रही थी कि भैया रशिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो ये रूमर्स थी कि रशिया अगर खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा यानी कि वो यहाँ से विड्रॉ करेगा। कहाँ से विड्रॉ करेगा? कहाँ से विड्रॉ करेगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यहाँ पर विड्रॉ करेगा, ओके। तो चाइना हैज बीन अ लेट स्टार्टर, बेसिकली चाइना बहुत पीछे रह गया इस चीज में, ठीक है, काफी देरी से इसने शुरुआत करी है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, बट ये क्या है ना, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इट वॉज ओनली इन 2003 दैट इट सेंड्स इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। तो 2003 में इसने अपना पहला एस्ट्रोनॉट भेजा था ऑर्बिट पे, और फिर ये यहाँ पर आपकी थर्ड कंट्री बन चुकी थी आफ्टर योर सोवियत यूनियन एंड US। तो US और सोवियत यूनियन जो है आपके वो ऑलरेडी यहाँ पर आगे हैं इस चीज में, ठीक है। तीसरी कंट्री आपकी चाइना बन गया था फिर। तो चाइना हैज सेंड टू प्रीवियस स्पेस स्टेशन इन टू द ऑर्बिट, जिनका नाम है यहाँ पर आपका तियांगोंग 1, ठीक है, एंड तियांगोंग 2, and there were the trial stations, so simple modules that allowed only relatively short stay by the astronaut. तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थे, बट एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अगर हमें किसी स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पर, एक स्पेस स्टेशन को यहाँ पर बिल्ड करना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग आगे का काम कर सकते हैं, जो कि अब आपका जो चाइना है वो प्लान कर रहा है, ओके। तो जो इनका नया स्टेशन होगा वो करीब आपका 66-ton मल्टी मॉड्यूल तियांगोंग स्टेशन रहेगा, एंड इट इज सेट टू बी ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट 10 years, 10 साल तक ये ऑपरेशन में रहेगा यहाँ पर,
ठीक है, और यहाँ पर जो तियानहे है, तियानहे इज वन ऑफ द थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ व्हाट वुड बी द चाइनाज फर्स्ट सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पर तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, तीन मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें से आपका एक है तियानहे। तियानहे आपका एक पहला कॉम्पोनेंट है जिसका अभी हमें पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बाकी के सारे जो स्टेशन हैं, ठीक है, मतलब यानी कि आपका एक ही स्टेशन है ऊपर, ठीक है, तो उसके राइवलिंग में ये आ रहा है आपका। फिर इट फॉर्म्स द मेन लिविंग क्वार्टर्स फॉर द क्रू, फॉर द थ्री क्रू मेंबर्स, ठीक है, इन द चाइनीज स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पर सिर्फ तीन क्रू मेंबर्स रहेंगे। और जो तियानहे लॉन्च है, इट्स द फर्स्ट ऑफ 11 मिशंस नीडेड टू कंप्लीट द स्पेस स्टेशन व्हिच विल ऑर्बिट अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 340 टू 450 किलोमीटर। तो यानी कि जो ये आपका तियानहे लॉन्च है, ये आपका पहला होगा, ठीक है। 11 मिशंस होंगे यहाँ पर, पहला मिशन रहेगा ये जिसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है, उस पर नजर रखेगा फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 340 से 450 किलोमीटर तक। एंड इन लेटर मिशन चाइना विल लॉन्च द टू अदर कोर मॉड्यूल्स। अब आगे के टाइम पर क्या होगा कि जो चाइना है, ठीक है, वो यहाँ पर दो और कोर मॉड्यूल्स को यहाँ पर लॉन्च कर देगा, फोर मेन स्पेसक्राफ्ट एंड फोर कार्गो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है जो इनका स्पेस स्टेशन है, कि ये यहाँ पर किस तरीके का मतलब लगने वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसका एक साइंस लैब है, यहाँ पे एक साइंस लैब है, ऑलराइट। ये आपका कोर मॉड्यूल है, तियानहे, ठीक है, इंक्लूडिंग मेन लिविंग एरिया, और ये आपका रोबोटिक कार्गो शिप रहेगा, और ये है आपका लाइफ बोट। तो इस तरीके का कुछ इनकी शेप होने वाली है इनके स्पेस स्टेशन की, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो स्पेस स्टेशन के बारे में आपको इनके पता चल गया। अब यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एडिटोरियल है जो कि आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें अपने हेल्थ सेक्टर में, तो उससे कितनी हद तक हमें यहाँ पर फायदे देखने को मिल रहे हैं। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखा जाए, अभी जो कोविड की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आपके हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। इंडिया यहाँ पे आगे मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया रुका हुआ है, इंडिया मूव कर रहा है इस चीज़ में भी आगे, ठीक है। और अगर इंडिया के पास अगर बहुत यू नो डेवलप्ड कंट्री हो, बेसिकली अगर ज़्यादा इनकम अच्छी हो, इकोनॉमी थोड़ी सी हाई हो, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वी हैव ब्रेन फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट वी डोंट हैव बैक, ठीक है, पैसा उतना नहीं है, बट वी हैव ब्रेन, ओके। तो चलो, तो यहाँ पर क्या है, बात करी जा रही है कि जो यहाँ पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स हमें देखने को मिले हैं, जो कि कोविड 19 से यहाँ पर फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है कि वो लोग यहाँ पर सेल्फलेसली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, और मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहन के अपने आप को एकदम प्रोटेक्ट करके यहाँ पर घंटों तक वो पर्टिकुलर आपकी जो पीपीई किट है उसको यहाँ पर पहनकर वर्क कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पर ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो आपके रोबोट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, जो लोग होंगे उनकी केयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ही जैसे आपने चाइना में देखा था, देर आर हॉस्पिटल्स इन चाइना जो कि यहाँ पे 5G पावर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस वगैरह को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो आपके पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उनका फीवर्स वगैरह, इन सबको मेजर करते हैं, उनके हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हुए देखे गए हैं, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर ये चीज़ हमारे इंडिया में आ जाएगी, तो हमारे इंडिया में काफ़ी हद तक आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया क्या है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कम पैसा यहाँ पर यूज़ करता है, जो कि हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इसे बढ़ाएंगे तभी हमारा कुछ फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करी जाए, तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका रेफर करता है टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द मशीन। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो आप एक मशीन के अंदर अगर आप स्टोर कर दो, ठीक है, वही आपका जैसे रोबो मूवी देखी थी ना रजनीकांत की मूवी थी, कौन सी थी, रोबो, ठीक है। तो वो यहाँ पर रोबो बनाते हैं, और रोबो कैसे वर्क करते थे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज आई हैं आपकी, रोबोटिक्स आई थी। तो यहाँ पर जो रोबोज होते हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं, जैसे जैसे ह्यूमंस जो है, ठीक है, करते हैं, जैसे काम करते हैं, वो वैसे ही मिमिक करते हैं उनके एक्शंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन, स्पेशली इन द हेल्थ केयर सेक्टर, एंड इट कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस। इसको डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट डिजाइन के लिए कर सकते हैं, इमेजिंग डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ योर डिजीज, कोई भी डिजीज है उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए, उससे पहले से हम लोग देख लें कि अगर ये डिजीज हो गया तो इससे क्या आउटब्रेक होगा।
तो यहाँ पर जो रोबोट वगैरह हैं उनको असिस्ट किया जाए सर्जरीज के लिए, वर्चुअल नर्स की असिस्टेंस दी जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे यहाँ पर हो सकती है, हम देख सकते हैं इनको। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पे लोगों की जान बचा सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल केयर सेंटर्स हैं जो कि रिलाई करते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग कैम्बियो हेल्थ केयर, जिसने डेवलप किया था एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन। जो स्ट्रोक वगैरह हो जाते थे, ठीक है, उनकी जैसे आपका हीट स्ट्रोक वगैरह होता है, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर एक क्लिनिकल डिसीजन लिया गया था, एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया जो कि यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो फिजिशियन है, ठीक है, वो यहाँ पर वॉर्न कर रहा था कि जो ये पेशेंट्स हैं इनके अंदर जो रिस्क है आपका हार्ट स्ट्रोक का, हीट स्ट्रोक का, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर आपकी कैम्बियो हेल्थ केयर ने डेवलप करी थी। उसके बाद मैनेजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर डेटा। तो यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज कि आपका हेल्थ केयर में कंपाइल करना, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, जैसे कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए या जो पास्ट हिस्ट्री रहती है किसी भी पेशेंट की, और डेटा मैनेजमेंट हो गया। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मतलब ऑटोमेटिकली डिजिटली आप कोई भी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। तो रोबोट्स क्या करते थे, रोबोट्स यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, ट्रेस करेंगे डेटा को जो भी यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जा सके, और कंसिस्टेंट एसेस मिलना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके की अगर हम लोग यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स को हमें मैनेज करके चलना है तो उसके लिए भी हम आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ हो सकता है, एनालाइज करने के लिए डेटा को, रिपोर्ट्स को, किसी भी पेशेंट की फाइल है, एक्सटर्नल रिसर्च है, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज है कि वो हेल्प कर सके सिलेक्ट करने के लिए, करेक्ट और इंडिविजुअली कस्टमाइज कर सकें अपने ट्रीटमेंट प्लान को कि इस पर्टिकुलर अगर कोई बीमारी आ गई तो उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी करी जा सकती हैं। वर्चुअल नर्सेज वगैरह यहाँ पर अपॉइंट करी जा सकती है। कैसे कि जो आपकी वर्चुअल नर्स है वो यहाँ पर लोगों का जो मतलब मॉनिटर करेगी उनके पेशेंट्स की कंडीशन कैसी है, ट्रीटमेंट करेगी उनका, और जो बिटवीन डॉक्टर विजिट है, जैसे आप लोगों की नर्सेज वगैरह होती है वो क्या करती हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपके पेशेंट्स को देखती हैं, उनका बीपी चेक करती हैं, ऑक्सीजन मीटर से मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह चेक कर हो रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके जो रोबोट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पर डेवलप कर दिया जाएगा जो कि आपका एक डिजिटल नर्स की तरह यहाँ पर वर्क करेंगी, ठीक है। जब आपके डॉक्टर्स यहाँ पर विजिट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर बीच बीच में आके देखती रहेंगी। तो 2016 में जो बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसने डेवलप किया था एक ऐप को एलेक्सा, जो कि यहाँ पर बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन देती है, एडवाइस फॉर पेरेंट्स ऑफ इल चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो आपकी एलेक्सा थी, जो ऐप थी एलेक्सा, वो यहाँ पर एक बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके बारे में एक आपका जो इन्फॉर्मेशन थी, एडवाइस थी, वो यहाँ पर पेरेंट्स को दे रही थी जो उनके बच्चे जो बीमार थे उनको, ओके। तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो रोबोट्स वगैरह हैं उनको वर्चुअल नर्सेज के हिसाब से अगर यूज़ करें तो क्या होगा उससे कि वो यहाँ पर इजीली केयर भी कर पाएंगे। जब डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं होंगे तो उनके बीच बीच में वो यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो आपकी ये जो एलेक्सा ऐप है, ठीक है, वो यहाँ पर कहाँ पर सबसे पहले आपकी स्टार्ट करी गई थी, 2016 में बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने डेवलप करी थी पर्टिकुलर ऐप, जिससे बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे उनको सारी जानकारी मिल रही थी कि उनके बच्चों की क्या मतलब हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, क्या एडवाइस दी जा रही है पेरेंट्स को, ये सारी चीज़ें आपकी एलेक्सा के थ्रू यहाँ पर दी जा रही थी, ठीक है। अभी आपका वो वाला एलेक्सा, आप लोगों ने एलेक्सा तो सुना ही होगा ना, चलो फिर यहाँ पे देखो मेडिकेशन मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे जो मॉनिटर मेडिकेशन होता है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं जो भी हमारे पेशेंट्स के कोर्सेज होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर प्रॉपर डोज रिजाइन टू बी फॉलोड बाय द पेशेंट। और इसके लिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो आपका AI क्योर ऐप मॉनिटर्स हैं इनको यूज़ करें, ठीक है, फॉर द मेडिकेशन ऑफ अ पेशेंट। तो यहाँ पर उनको मेडिसिन किस टाइम पर देनी है, जो कोर्सेज वगैरह हैं पेशेंट के उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर डोज यहाँ पर देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेशेंट को। तो ये यहाँ पर इंश्योर करेगा, ठीक है, कि किस तरीके की प्रॉपर डोज यहाँ पर पेशेंट को देनी है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे जो ड्रग डेवलपमेंट है उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके डेवलपिंग फार्मानोटिकल्स हैं थ्रू योर क्लिनिकल ट्रायल्स कैन टेक मोर देन अ डेकेड, ठीक है, काफ़ी समय लग जाता है। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस प्रोसेस को बहुत ही तेज़ बना सकता है और चीपर भी बना सकता है, मतलब कम अमाउंट में आपका ये काम हो जाए, ठीक है, तो सस्ते में भी बढ़िया।
जो आपका रिसेंट अभी इबोला का जो वायरस आया था, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोग्राम पावर किया गया था आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, एंड इट वाज यूज्ड टू स्कैन एग्जिस्टिंग मेडिसिन दैट कुड बी रीडिजाइन टू फाइट द डिजीज. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब आपका इबोला आया तो इबोला में एक चीज देखने को मिली कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम था इसको पावर किया गया. अब इसके हिसाब से हम लोगों ने स्कैन किया कि जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है हम उसमें किस तरीके से रीडिजाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज को रीडिजाइन करके हम लोग किसी भी चीज पे यूज करते हैं ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या था कि जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन थी जो ऑलरेडी अवेलेबल थी उनको रीडिजाइन करके हम लोग इस डिजीज को फाइट कर सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे आया आपका प्रिसेशन मेडिसिन. तो यहाँ पर जो जेनेटिक्स और जीनोमिक्स है दैट लुक फॉर म्यूटेशन एंड लिंक टू डिजीज फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन इन डीएनए. तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें तो बॉडी क्या करेगी, आपका स्कैन कर लेगी जो भी आपका स्पॉट होगा कैंसर का, ठीक है, जो भी आपका वैस्कुलर डिजीजेस वगैरह होंगे, और पहले ही प्रिडिक्ट कर देगी जो हेल्थ इश्यूज हैं जो लोगों के अंदर यहाँ पर लोगों के अंदर जो जेनेटिक्स के हिसाब से यहाँ पर फेस करने को आ रहे हैं. ठीक है, फिर यहाँ पर हेल्थ मॉनिटरिंग. तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जो आपके वियरेबल हेल्थ ट्रैकर्स हैं जैसे कि जो आपकी फिटबिट है, एप्पल है, इनके जो मॉनिटर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हर्ट जो आपकी हार्ट रेट और एक्टिविटी लेवल बताते हैं कि आपने कितने स्टेप्स यहाँ पर चले, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो एक पेशेंट की हैबिट्स हैं वो यहाँ पर एक एडिशनल डेटा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डॉक्टर्स को प्रोवाइड करेगा. ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बोली गई थी कि अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर लोगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी. ओके, चलिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपकी मैप है जिससे आप लोग बेसिकली आसानी से पढ़ सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया, ये आपका एक ही एडिटोरियल था आज का. वर्चुअल नर्सेस क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ, बेसिकली कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर क्या है ना कि देखो हमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें मूव करना पड़ेगा जिस तरीके से आपका वर्ल्ड मूव कर रहा है. ठीक है, उसी नहीं तो अगर हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम वही पिछड़े रह जाएंगे. तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करना. देखो अगर यहाँ पर आपकी वर्चुअल नर्सेज आ गई, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी होंगी. एम्प्लॉयमेंट किसी ना किसी एस्पेक्ट में बढ़ेगा ही, बहुत सारे काम भी बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. इन सारी चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होने वाला, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ज़रूर. ठीक है, कोई भी यहाँ पर नई चीज़ आती है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ना बिल्कुल बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों नहीं. ठीक है जी, चलो, तो यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर होता है आज का ख़त्म. इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर रहा है आज का. ठीक है, दो न्यूज़ बहुत कम हैं बट न्यूज़पेपर काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है. ओके, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग यहाँ पर इसको लाइक ज़रूर करें. ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. द वंस हु आर न्यू टू दिस चैनल, ठीक है, जो नए हैं इस क्लास में, जो नए हैं वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. ठीक है, सो दैट आपकी जब भी ये क्लास आए तो आप लोगों पर नोटिफिकेशन जा सके. ओके, चलो, पॉलिटिक्स न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है यूपीएससी के लिए, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में आपको क्या करना है कि इस नेता ने ये कर लिया, उस नेता ने ये कर लिया, ये नेता ये सोच रहा है, वो अलग ही चीज़ हैं, वो हमारी यूपीएससी के एस्पेक्ट से नहीं आती है. एक जो आप एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो बात करती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनालाइज करने की चीज़ों को. पॉलिटिकल मुद्दे कौन से एनालाइज करने वाले हैं आपके, उसमें क्या एनालिस्ट का मतलब, एक एनालिस्ट व्यू क्या दोगे आप उसमें, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, चलो, तो अब हम मिलेंगे कल. ठीक है, और आपकी मेंस आंसर राइटिंग वाली क्लास आ जाएगी 10 बजे, आप लोग उसको देख लेना. सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.